अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 फ्रॉम लेसन नंबर 4। टॉपिक है हमारा आज का परसेंटेज। अ परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन व्हिच ऑलवेज हैज 100 एज इट्स डिनोमिनेटर एंड द नोमिनेटर इज द परसेंटेज। परसेंटेज हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन है जिसके जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 100। और फिर अगर उसका डिनोमिनेटर 100 होगा तो फिर उसका जो भी नोमिनेटर होगा वो उस परसेंटेज होगा। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का जो मतलब है वो है पर 100। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट परसेंटेज, और ये जो सिंबल है ये हम यूज करते हैं परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फ्रैक्शन 23 डिवाइड 100 कैन बी रिटन एज 23%। अब इसका नोमिनेटर जो था वो 23 था और इसका जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, 100। तो हमने ऊपर बताया है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होगा तो उसका जो नोमिनेटर होगा उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया 23%। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कि कैसे हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% के साथ। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 4 डिवाइड 5 टू परसेंटेज, हमने 4 ओवर 5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100% के साथ। मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी क्या होगी कटिंग, 5 टू सा 10 जीरो कैरी चला जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। टू कन्वर्ट परसेंटेज फ्रैक्शन वी डिवाइड बाय 100, तो हम उसको डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 75% टू फ्रैक्शन, हमने 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे। जब हम इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75/100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम डिवाइड करवा देंगे 5 के साथ और हमारे पास आंसर आएगा 15/20। अब 15/20 हम दोबारा 5 से इसको क्या करवाएंगे, डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/4। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो ये हम नेक्स्ट डिवाइड नहीं करवा सकते और ये हमारा क्या होगा, आंसर। पेज नंबर 88 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। ये वाला पार्ट है इसका 3/10, हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100% के साथ। जब हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है बन जाएगा 3/100/10। जब हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 300/10। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30%। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है 17/100। जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100% के साथ। अब जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 और ये 100 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, 17%। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आई पार्ट है 1/2, इसको भी हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100% के साथ। अब जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 100/2। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50%। नेक्स्ट हमारे पास इसका जे वाला पार्ट है 2/5, इसको भी हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 100% के साथ। जब हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 200/5। जब हम इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कन्वर्ट परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन,
ऊपर हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज किया था, लेकिन अब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करना है, मतलब हमने इनको 100 से डिवाइड करवाना है। तो 20% को हम जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम इसको डिवाइड करवाएंगे फिर 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 1/5, 0 की कटिंग हो जाएगी और 2 1 2 और 2 5 10। इस तरह हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास था 85%, तो 85 को जब हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से डिवाइड करवाएंगे। 85 को जब हम 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 17 आएगा, और 100 को जब 5 से डिवाइड करवाएंगे तो 20 आएगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट आपकी डायरी है, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पार्ट नंबर B और C आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।